हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणा गौतम। मैं हूँ अरुणा और फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स, जो कि बहुत ही झटपट बनके रेडी हो जाते हैं और खाने में भी ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये बॉइल्ड आलू हैं जिनको मैंने ठंडा कर लिया है और अब मैं इनको कद्दूकस कर लूँगी। मैशर से भी इनको मैश कर सकते हैं, तो अच्छे से हम इन्हें मैश कर लेंगे या कद्दूकस कर लेंगे, जैसे भी आपको इजी लगे। तो ये आलू जो हैं वो मैंने कद्दूकस कर लिए हैं सारे, और अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस मिला देंगे, मसाले मिला देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स मिला रही हूँ, तो ये एक चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। बाकी आप अगर तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना कम भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गार्लिक, जिसको कि मैंने बारीक चॉप किया है, आप कूट के भी डाल सकते हैं। तो दो छोटी चम्मच के करीब मैंने गार्लिक डाल दिया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गार्लिक से जब ये पोटैटो बाइट्स बनते हैं तो। और अब हम इसमें मसाले मिला देंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा मैं इसमें इटालियन हर्ब्स डाल रही हूँ, जो पिज़्ज़ा वगैरह में जो सीजनिंग होती है वो। और मैं इसमें डाल रही हूँ दो चम्मच कॉर्नफ्लावर, और ये मेरे पास ब्राउन ब्रेड का जो ब्रेड क्रम होता है वो है। तो 3 से 4 चम्मच मैं इसमें ब्रेड क्रम्स मिला रही हूँ, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों की हेल्प से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और इसका एक डो सा बना लेंगे हम। तो डो बनके तैयार हो गया है ये, और मैं इसको छोटा छोटा तोड़ के और इसको बाइट्स की शेप दे दूंगी इस तरीके से। छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे बाइट्स जो हैं वो बना के रख लेंगे पहले। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने सारे जो बाइट्स हैं पोटैटो बाइट्स वो बना के तैयार कर लिए हैं, और इन पर थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लावर छिड़क दूंगी एक चम्मच के करीब, ताकि ये सारे कवर हो जाएं उसमें। और आधे घंटे के लिए हम इन्हें फ्रीज़र में रख देंगे, डीप फ्रीज़र में, और उसके बाद हम ऑयल गर्म करके इनको फ्राई करेंगे। तो फ्रीज़र से मैंने निकाल लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो तेल को मैंने गरम कर लिया है और मीडियम लो फ्लेम पर मेरी कढ़ाई है, और एक एक करके अब हम इस पर बाइट्स डालेंगे और अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम गैस पर ही, फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है, ताकि जो बाइट्स हैं वो अंदर तक पक जाएं। और आप इन्हें बनाकर फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जैसे ही कोई मेहमान आए या आपको जैसे शाम को चाय के साथ कुछ खाने के लिए चाहिए तो आप इन्हें फटाफट फ्राई कर सकते हैं। तो अच्छे से फ्राई हो गए हैं ये बाइट्स, और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और जैसे भी आपको पसंद हो, चाय के साथ या टमाटो सॉस के साथ, तो गर्मा गर्म आप इन्हें सर्व कीजिए और इन्जॉय करिए। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये और बड़ों को भी। तो हमारी जो पोटैटो बाइट्स हैं, चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स, वो बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट भी कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।